अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। ऑरेंजेस सीज़न में है, तब तक मैंने कहा था ना आप लोगों को कि हम ऑरेंजेस के रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे। तो ऑरेंज साग क्रीम केक आज हम बनाएंगे लोफ टिन में, ठीक है। साग क्रीम कैसे बनाते हैं आपको पता है, 200 मिलीलीटर का जो टेट्रा पैक का क्रीम आता है वो मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है, एक बोल में, और उसमें आपने डाल देना है थोड़ा सा लेमन का जूस, दैट्स इट। और फिर इसको आप मिक्स कर दीजिए। और इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए एंड देन यू कैन यूज इट। ओके, अब हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। एक चमचा भर के इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, ऑरेंज का छिलका है, मौसम्बी से निकाल दीजिए दिया करें, नारंगी से नॉर्मली नहीं निकलता है, मौसम्बी हार्ड होती है, तो ग्रेटर पे रख के ग्रेट कर दिया करें। जेस्टर हो आपके पास तो जेस्टर से कर सकते हैं। 2 अदद अंडे हैं, ये चीनी है मेरे पास, कितनी थी चीनी, 200 ग्राम, 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, और 300 ग्राम मेरे पास मैदा है। फिर इसके ऊपर क्या जाएगा टॉपिंग, ऑरेंज का जूस है 1 अदद ऑरेंज का, और ये मामलेड है, ठीक है, कोई सी भी मामलेड ले लीजिएगा, हमें पकानी है मामलेड को इसके साथ ऑरेंज जूस के साथ, और फिर ऑरेंज मौसम्बी एक लेके उसको स्लाइसिस में काट ली है ताकि वो जाएगी ऑन टॉप एज गार्निश, दैट्स इट। सब कुछ मिक्स करके आपको इसको बेक करने रख देना है। अवन को हमेशा प्रीहीट करते हैं, जब भी कुछ बेकिंग करते हैं प्रीहीट के मायने होते हैं, ऐसे ही ऑन कर देना, ये खाली है अभी, ठीक है, इसको ऑन कर देना, प्रीहीट इसको कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे आपने कोई चीज़ बेक करनी हो उसी टेम्परेचर पे आप इसको प्रीहीट करेंगे। तो 180 डिग्रीज है, सेंटर शेल्फ है, रैक है, ये नीचे का ऑप्शन हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। ये बार बार चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा ये सारे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, FAQs होते हैं, जो आप लोग बार बार हमें पूछते हैं। तो ये नीचे का ही ऑन होता है, फिर गैस का हो, चूल्हा के, इलेक्ट्रिक का हो, प्लीज़ नीचे का ही ऑन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, आज की दूसरी रेसिपी हमारी चॉकलेट फज है। नाउ चॉकलेट फज बनाते वक्त एक बात याद रखते हैं कि चॉकलेट फज को एक टेम्परेचर तक पकाना होता है, वरना क्या होता है वो स्टिकी रहती है। अगर कम पकाएंगे स्टिकी रहेगी, आप काट नहीं सकेंगे, ज़्यादा पका लेंगे तो ब्रिटल हो जाएगी चीनी, इतनी पकाएंगे तो, ठीक है। सो देयर इज अ टेम्परेचर टू बी रीच्ड जो के पॉसिबल है अगर आपके पास शुगर थर्मामीटर है, नहीं है कोई बात नहीं। फिर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप थर्मामीटर के बगैर भी ये चीज़ बना सकते हैं। सो ये होता है, एक टेस्ट होती है, एक शुगर टेस्ट होती है कि जब भी कोई चीज़ पक जाए तो एक छोटे से कांच के बोल में थोड़ा सा पानी डाल दिया करें और उसमें से एक छोटा सा बॉल लेके उसमें डाल दें। तो अगर वो बॉल पूरा एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर ले तो दैट मीन्स इट्स रेडी, वरना क्योंकि यूसी आप हाथ से नहीं चेक कर सकते हो, चीनी है वो हाथ पे चिपक जाएगी, स्किन उतर जाएगी। एक और टेस्ट है कि एक पतली छोटी सी सॉसर ले लें, कांच की प्लेट, उसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडी कर लीजिए, फिर जब ये बन जाए तो थोड़ा सा एक ड्रॉप उसमें से डाल दीजिए और देखें वो फैलना नहीं चाहिए। तो ये भी एक दूसरी किस्म की टेस्ट है, बट शुगर थर्मामीटर इज़ बेस्ट। बेकिंग हम जैसे करते हैं वो एक्यूरेसी डिमांड करता है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह नाप ही हों, आपने तोली हों, एग्जैक्टली मेजरमेंट्स वही हों, अप्रॉक्सीमेट हम नहीं जाते हैं, अंदाजे से नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कढ़ाई बना रहे हैं, टमाटर कम है 2 डाल दिए, दही डाल दिया, कुछ और डाल दिया, ठीक है, ऐसे नहीं होता है बेकिंग में। बेकिंग में एक्यूरेसी, बेकिंग इज़ अ साइंस ना, तो उसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, मतलब कि नाप तोल सब कुछ सही होना चाहिए। उसी तरह कन्फेक्शनरी, स्वीट्स बनाना, चॉकलेट्स बनाना, इस तरह की कोई कन्फेक्शनरी की आइटम बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो 225 डिग्रीज है उस पर आप एक तार बनता है, ठीक है, फिर ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सॉफ्ट बॉल बनता है, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे यानी कि 250 डिग्रीज पे तो एक फर्म सा बॉल बनता है, फिर उससे और ऊपर जाएंगे 275 डिग्रीज तक जाएंगे तो हार्ड बॉल बनता है। ये सारी चीज़ें एक दिस इज़ टू बी लर्नड, आप एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे या आप हमसे सीखेंगे, क्योंकि हमने ये बहुत सारी चीज़ें ख़राब की हुई हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स घर में हम कर चुके हैं। तो आप हमसे सीखिए और बनाइए ज़रूर, इसको आज नहीं काटेंगे, कल दिखाएंगे आपको, ठीक है। सो इसी तरह बनाइएगा। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज फैंस एंड व्यूअर्स जिन्होंने पिछले हफ्ते की रेसिपीज़ ट्राई की इस वीकेंड पे और मुझे तस्वीर भेजी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी लिस्ट है इस दफ़ा नामों की, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल द नेम्स, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर ट्राइंग आउट द रेसिपीज़। और आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप लोग अच्छी तरह डेकोरेट भी उसको करते हैं और फिर आप हमें तस्वीरें भेजते हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच जी। देखें ये इसका टेक्स्चर, अब आप देखें मैंने क्रीम में लेमन जूस डाल के छोड़ दिया है, इस तरह ये
हो जाएगा, ग्रेनी सा टेक्सचर, तो परेशान नहीं होइएगा, ये आपका सा क्रीम बन रहा है, ठीक है? ये देखा, चले लेट्स स्टार्ट। 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन, थोड़ा सा मैंने माइक्रो किया था कि सॉफ्ट हो जाए, वरना मैंने निकाल के रात से रखा हुआ था फ्रीज़र में से, फिर भी बहुत सख्त रहता है मक्खन, इट्स क्वाइट कोल्ड ना यहाँ, फॉर कराची स्टैंडर्ड तो सर्दी है। मक्खन और चीनी, घर की आम चीनी, उसको पीस लीजिए, फिर तोलिएगा 200 ग्राम। दो अदद अंडे, एक के बाद एक आपने दो अदद अंडे डालने हैं इसमें। फिर ये ऑरेंज का छिलका है, मौसम्बी का, मैं निकालती हूँ और फ्रीजर में रख देती हूँ डब्बा भर के, पूरा साल ऑरेंज की कोई भी रेसिपी बनानी हो, ऑरेंज जूस ताज़ा नहीं मिले तो आप इसको ऐड कर दिया करें और देखें कितना फ़र्क पड़ता है। अब ये है मैदा 300 ग्राम और इसमें एक चमचा भर के बेकिंग पाउडर, चमचा कौन सा, टीस्पून जो हमारे हैं मेजरिंग स्पून वाले, हाँ ये चमचे नहीं, ये वाले चमचे नहीं, ओके। अब हम इसमें ये सा क्रीम डालेंगे, मैं लोफ टिन में बना रही हूँ, आप किसी भी और शेप के टिन में बना सकते हैं, लेकिन ऐसे जो टी टाइम वाले केक्स होते हैं लोफ टिन में अच्छे रहते हैं, स्लाइस करके आप सर्व कर सकते हैं। मिक्स दिस, आप कोई रंग डालना चाहें, पीला या हल्का ऑरेंज रंग भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं डाल रही। सब कुछ चला गया, मिक्स करें, बेक होने के लिए यहाँ रख दीजिए। लोफ टिन है, इसमें पेपर लगा दिया है, इसको हमने ग्रीस कर दिया था फिलिप पेरियो ऑलिव ऑयल के साथ, ये मैं करके रख दूँगी अवन में, फिर हम ऑरेंज जूस और मार्मलेड को पकाएंगे और उसका ग्लेज बनाएंगे पूरा, ठीक है? तो आप ऐसे करिए, एक छोटी सी ब्रेक लीजिए और रहिए मेरे साथ ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और ऑरेंज सा क्रीम केक हम बना चुके हैं, अवन में जा चुका है। मैंने 200 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको बीट कर दिया, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं। फिर उसमें हमने 200 ग्राम ही पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली, अच्छी तरह बीट करिए, दो अदद अंडे एक के बाद एक डालिए, उसके बाद मैंने ऑरेंज का छिलका डाला था, एक टेबलस्पून जितना ले लीजिएगा। फिर 200 मिलीलीटर क्रीम के एक पैकेट में मैंने थोड़ा सा आधा लेमन का जूस डाल के उसको सा क्रीम बना लिया था, 10 मिनट छोड़ दीजिएगा बन जाएगा, वो डाल दिया। 300 ग्राम मैदा छान के उसमें एक चमचा भर के बेकिंग पाउडर डाला, वो सब कुछ मिक्स कर दीजिए। अच्छा, अगर आपका बैटर थोड़ा सा स्टिफ हो, मैदा अच्छी तरह मिक्स ना हो, जैसे मेरा हुआ था, तो मैंने दो चम्मच इसमें से ऑरेंज जूस डाल दिया, दैट्स इट। दूध डाल दें, ऑरेंज जूस डाल दें, कुछ भी डाल दें, ठीक है? मिक्स करके हमने इसको लोफ टिन में बेक करने रख दिया है। लोफ टिन को फिलिप पेरियो ऑलिव ऑयल के साथ मैंने ग्रीस किया था, नीचे पेपर लगाया था, एंड अब ये जब बेक होकर निकलेगा तो इसके ऊपर हम ये डालेंगे। ये है ऑरेंज का जूस और ये है मार्मलेड, कोई सी भी मार्मलेड ले लें, घर की बनी हुई हो के बाहर की हो, व्हाटएवर ये, और इसको हम हल्का सा हीट अप कर देंगे इसको, ठीक है? फिर अगर ये ठंडा हो जाए जब केक निकले तो आप उसको दोबारा हीट अप कर दीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ग्लेज टाइप होना चाहिए, मार्मलेड और ऑरेंज जूस बस। मुझे मार्मलेड पसंद है बहुत,
और मैं सिर्फ विंटर में खाती हूँ, पूरा साल लोग खाते हैं, मुझे सिर्फ विंटर में आमलेट पसंद है। जैसे मैं सिर्फ मैंगो की चीज़ें मैंगो के सीज़न में ही खा सकती हूँ, समहाउ मुझे सीजनल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, पूरा साल में नहीं खा सकती। लोग फ्रीज़ करते हैं और रखते हैं और कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं, लेकिन मैं ताज़ी चीज़ें। जी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। और चली भी गई, ओहो लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी जी, प्लीज़ ट्राई अगेन, थैंक यू आपने कॉल की, लेकिन दोबारा ट्राई करिए। ओके ये हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, वील स्टार्ट विद द फज बिकॉज उसमें टाइम लगेगा। 3 कप चीनी है, 3 कप, ठीक है, दानेदार 3 कप चीनी, उसमें 2/3 कप कोको पाउडर, 2/3 कप, 2/3, बहुत थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, और 1.5 कप दूध, बस पकाते रहिए इसको, ये पक जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें 1/4 कप जितना मक्खन डालेंगे और वेनिला एसेंस डालेंगे। मक्खन डालने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर निकाल के उसको हम बीट करेंगे, फिर हम इसको इस टिन में रख देंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए, बोलें। आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई रेसिपीज ट्राई की है आपने? जी हम करते हैं, वो बेजुएला हमने ट्राई किया था, बल्कि आज ही की है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने ट्राई किया जी, बहुत टेस्टी बना था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीज़न में जो रेसिपीज़ हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, उनकी रेसिपीज़ मैं सिखा रही हूँ, जैसे ऑरेंजेस भी अभी सीज़न में हैं, तो बना लीजिएगा चीज़ें, ठीक है? जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैं कुछ बता रही थी, तो आई कम बैक टू दैट। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम टिन में रखते हैं, वो हम निकाल नहीं सकते, ऐसे करके मैं उल्टा भी कल करूँगी ना, तो उसमें से ये फज निकलेगी नहीं, चिपक जाएगी, फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक है? तो दो ऑप्शंस हैं, एक तो है कि आप एक ऐसा टिन लाएं जिसका बेस खुल जाए, नीचे से निकल आए, नहीं हो ऐसे भी मिलते हैं टिन्स। आई एम सरप्राइज कि मैं वो टिन क्यों नहीं लाई और ये टिन क्यों लाई, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो नीचे से लूज़ बॉटम टिन हो वो ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं हो तो फिर आप इस तरह करिएगा जो मैंने किया है, सबसे पहले नीचे एक पेपर लगाइएगा बेस पे, ठीक है, फिर ज़्यादा पेपर लेके ये, इसको कहते हैं जनाब ओवरहैंग। अब आराम से कल हम जब ये सेट हो जाएगी ना फज, इसको यहाँ से उठा के ऐसे करके रखेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे हम चॉप कर सकेंगे, समझ आई? तो इसको कहते हैं ओवरहैंग। 1.5 कप दूध, 3 कप चीनी, चुटकी भर नमक और 2/3 कप कोको पाउडर डाल के हम आज चॉकलेट फज या कोको फज बना रहे हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह पकाना है, जब ये पक जाएगा, आँच इतनी क्यों मेरे पे आ रही है, जब ये अच्छी तरह पक जाए फिर आप इसको चूल्हा बंद करके 1/4 कप जितना मक्खन डालेंगे, पीकान सॉल्टेड और वेनिला एसेंस डाल के छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसको हम बीट करेंगे बीटर के साथ बोल में निकाल के, और फिर हम सेट होने रख देंगे, फिर कल काटेंगे। इसमें आप कॉफ़ी डाल के मौका बना लीजिए, इसमें आप कोको पाउडर निकाल के सिर्फ कॉफ़ी डाल के कॉफ़ी फज बनाइए, इसमें आप चॉकलेट चॉप करके डाल दीजिए, इसमें आप ऑरेंज का छिलका डालें, ऑरेंज एसेंस डालें, इसमें आप मिंट एसेंस डालें, और आप मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फज बनाएं। असॉर्टेड डब्बा, कोको पाउडर डार्क क्वालिटी का लेंगे तो इस तरह चॉकलेट वाला रंग आ जाएगा फौरन, ऐसे लगेगा वाकई आपने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। अब आपको इसको पकाना है काफ़ी, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, तो हम इसको पकाते रहेंगे। अच्छा सो 8 इंचेस का, अच्छा एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आती हूँ दोबारा इस बात पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे बस कुछ तो बात करती। अच्छा टिन का जो साइज़ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फज बनाते वक्त। ये मैंने 8 इंचेस का टिन लिया है, ठीक है, अब देखें इतना ऊंचा होना चाहिए कि फज इतनी तो हो। अगर आपने पहला हुआ टिन लिया, इतना बड़ा टिन लिया या थाल लिया कुछ, तो इतनी पतली फज बनेगी, ये याद रखिएगा। ओके सेटिंग में टाइम ज़रूर दीजिएगा, हमें इसको 15 मिनट पकाना है। 15 मिनट के बाद मैं ये डाल के थर्मामीटर 234 डिग्रीज फ़ारेनहाइट करूँगी, विच इज़ सॉफ्ट बॉल स्टेज, ठीक है, ये करेंगे, फिर भी आधा घंटा पकाना है उसको,
ठीक है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा हल्का आँच हल्की करके फिर उसमें हम मक्खन और ये डाल के वेनिला एसेंस छोड़ देंगे, फिर बीट करेंगे, फिर इस टिन में निकालेंगे और कल आप होपफुली हम इसको काट सकेंगे। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। इसको आप दो लेयर में बना सकते हैं, आधी आपने प्लेन वेनिला बना ली, आधी चॉकलेट बना ली, फिर पहले वेनिला वाली बिछा दी, फिर उसके ऊपर सेट होने दीजिए, चॉकलेट वाला लेयर बिछा दिया, तो दो लेयर्स में होगा। बहुत मुख्तलिफ किस्म के फज बना सकते हैं, असॉर्टेड बहुत सारा वेरिएशन ला सकते हैं। ठीक है, केक विल एटलीस्ट टेक आधा घंटा, उसको हम आधे घंटे बाद निकालेंगे क्योंकि लोफ टिन है। टिन का जो साइज़ होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फिर भले आप बेकिंग कर रहे हो, किस तरह की कोई चीज़ बना रहे हो, अगर सही साइज़ टिन का नहीं आपने इस्तेमाल किया तो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये उबाल नहीं आ जाए, स्पिल नहीं हो जाए, मगर इसको एक टेम्परेचर पर पकाना ज़रूरी है, ठीक है, और इसको बॉयल आना ज़रूरी है, तो ही तो ये फज बनेगी, वरना ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सिर्फ कैरमल बन जाएगा इसका। और ये काम करें तो इसको छोड़िएगा नहीं। जी कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हसन बात कर रहा हूँ वाकेंड से, मैं आपको शो बहुत शौक से देख रहा हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक फरमाइश थी, अगर आप मशरूम स्टेक बनाना सिखा दें प्लीज। मशरूम क्या? मशरूम स्टेक। मशरूम क्या? मशरूम स्टेक्स। स्टेक स्टेक, ओके, अच्छा ओके, ठीक है, ओके बनाएंगे। ओके, और थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा बड़ी कढ़ाई या बड़ा डिश लेना चाहिए, पैन लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बॉयल होने देते हैं। मुसलसल चेक करना ज़रूरी नहीं है, बस एक टाइम आपको चेक करना है कि आप इसको ओवर कुक नहीं कर दें, ऐसे ना हो कि आप इसको ज़्यादा पका लें। ज़्यादा पकाएंगे तो काटने में मसला होगा, कम पकाएंगे तो भी काटने में मसला होगा, बिकॉज सेट नहीं होगी, ठीक है, फज स्टिक करेगी आपके छुरी पे। छुरी पे आप तेल लगा दीजिए या थोड़ा सा मक्खन लगा दीजिए और फिर एक एक काटिएगा। होपफुली विल बी एबल टू कट इट टुमारो। हाथ बहुत बचाइएगा और इसका भी बहुत ख्याल रखिएगा, इट्स अ थर्मामीटर, ठीक है, प्लीज़ घर वाला थर्मामीटर जिससे बुखार चेक करते हैं वो नहीं डाल दीजिएगा अंदर, ये शुगर थर्मामीटर है। इसको पकने दीजिए, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप लोग लीजिए ब्रेक, मैं बस इधर खड़े होके उसको देखती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड। इधर हूँ, ये देखें, अभी हमारा स्कूअर बिल्कुल गीला निकला है, इसका मतलब इसको टाइम लगेगा, अनदर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स एटलीस्ट, सो वी हैव टू वेट। जितना ऊंचा केक होगा उसमें टाइम लगेगा, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन लोफ टिन में ही हमने बनाना है। अब इसको देखते रहते हैं और आपको मैगज़ीन भी दिखाते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है मसाला टीवी फूड मैगज़ीन, इस साल का पहला शुमारा जनवरी 2021 का, सारे हमारे शेफ़्स की इसमें रेसिपीज़ भी हैं, मेरे शो की क्या रेसिपीज़ हैं, चिकन एंड कॉर्न लज़ानिया है और थाई चिकन मीटबॉल्स हैं, सैंडविच मेकर में एप्पल पाई बनाना सिखाया था, कस्टर्ड के साथ मैंने सर्व किया था, स्पाइसी फ्राइड चिकन एक बहुत मज़ेदार सी मेयोनीज़ के साथ, बोरी कबाब्स हैं चिकन के, भैं की सब्ज़ी है लोटस रूट, गुजराती में कमर काकड़ी, खजूर पाक है, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट बॉट योर मैगजीन तो ले लीजिएगा, खरीदिएगा ज़रूर। ओके, इस पे नज़र रखनी है, ये आप देख लीजिए, ये मैंने ऑरेंज जूस और मामलेट को ऐसे, कोई ज़्यादा पकाना नहीं है, ये जो ऑरेंज जूस है अंदर सीप हो जाएगा, मामलेट पूरी ऊपर रहेगी, सो इट्स गोइंग टू बी नाइस ऑल द टाइम। हम उसके ऊपर बटर क्रीम और गनेश नहीं रख सकते ना, इस तरह का ये टी टाइम का केक है, होने दीजिए, फिर निकालेंगे, उसके ऊपर ये डाल देंगे, पूरा जूस अंदर सोख हो जाएगा, मज़ेदार सा अच्छा सा टेस्ट, ऑरेंज जूस भी, ऑरेंज जेस्ट भी, ऊपर मामलेट भी, ये अल्टीमेट ऑरेंज केक, ट्राई ज़रूर करिएगा, सीज़न चली जाए ऑरेंजेस की उससे पहले। और इसको आपने पकाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको स्टर करिएगा, हाथ बहुत बचाइएगा, पतीला थोड़ा बड़ा लीजिएगा, मैंने इसमें किया हुआ है तो ये
बाहर आने के चांसेस होते हैं, फिर ये पकता जाएगा, ये और भी पकेगा। हाँ, ये अभी गाढ़ा इनफ नहीं हुआ है, ये कटेगा नहीं फिर, वरना थर्मामीटर डाल के मैंने जब चेक किया था तो ये 234 नहीं हुआ था, 234 फ़ारेनहाइट तक आपने पकाना है इसको। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, डिजर्ट क्वीन आप हैं? हाँ जी, फरमाइए। कैसी हो? ठीक ठाक हो? जी थैंक यू, आपके सामने, फरमाइए। मेरे सामने हो, माशाल्लाह प्रीटी प्रीटी। थैंक यू, थैंक यू। आज ये तुम्हारी जो बना रही हो, ये जो बना रही हो, हाँ, फज का बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू भाई। वो बनाओ ना, वो जो मैंने तुमसे एक दफा कहा था, वो शॉर्ट्स थे, क्या थे वो? क्या जो मैंने तुम्हें कहा था चंदा, कि वो छोटी छोटी से वो शॉर्ट्स से बनती, फिर उसके अंदर वो होल करके वो क्रीम डालते हैं, ऊपर से चॉकलेट्स होते हैं, तुमने एक लंबा सा बनाया था उसका वो है? क्या भूल गई, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं भी बूढ़ी हो गई। हाँ, क्या क्या नहीं याद नहीं आ रहा। वो छोटे छोटे से बॉल से बनते हैं, हाँ, बेक होते, और फिर वो उसके अंदर होल करके उसमें चॉकलेट्स भरी जाती है, वो क्रीम भरते, और फिर वो बाद में ऊपर से चॉकलेट उसके ऊपर। तो वो मैंने बनाया तो है, शू पेस्ट्री। हाँ, शू पेस्ट्री। तो वो तो मैंने बनाया है, प्रॉफिट रोल्स कहते हैं उसको। वो दोबारा बना दो मुझे, मेरे खाते तुम दोबारा बना। मैंने पूरा शो किया था जिसके अंदर मैंने आपको शू पेस्ट्री बनाना सिखाया था, क्रीम पफ बनाए थे, ये चॉकलेट वाले बनाए थे। अब दोबारा बनाओ? हाँ, दोबारा बनाओ। अच्छा ठीक है, आपके लिए बनाएंगे जरूर, मगर अभी नहीं, अभी तो मैंने मार्च अप्रैल तक के रेसिपीज दे दिए हैं। तक का तो चला गया है। हाँ, मेरा प्लान चला जाता है दो दो महीने का। तुम्हारे पेज हम ज्वाइन करेंगे तो उसमें मिल जाएगा वो, है ना? शू पेस्ट्री है, प्रॉफिट रोल्स हैं, क्रीम पफ्स हैं, इसमें आप चिकन का भी पेस्ट भर सकते हैं, अंडे का पेस्ट भर सकते हैं। पिछले महीने मैंने सेवरी इक्लेयर्स, सुने क्या उसकी वैरायटी, मेरी बात सुने, पिछले महीने मैंने सेवरी इक्लेयर्स के नाम से करवाया था, करवाया नहीं था, किया था सेवरी इक्लेयर्स के नाम से, वो पिछले महीने या नवंबर में मैंने बनाया था, उसमें मैंने शायद चिकन का बनाया था, तुमने चिकन का पेस्ट भरा था। चलो ठीक है, खैर मैं बाकी तुम्हारी नो डाउट सारी डिजर्ट बहुत अच्छी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम डिजर्ट क्वीन रखा है। थैंक यू। असली क्वीन को नाराज हो जाएगी वो जो बैठ के देख रही होगी मेरा शो लंदन से फिर। थैंक यू मैडम, जस्ट जोकिंग। अच्छा जी, चलिए, पता नहीं कौन कौन देखता है हमारा शो, फिर हमें पता भी चलता है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मसाला टीवी इज सीन। थैंक यू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच जी। हमारा जो शो है गेट सेट कुक बाय डॉलन्स, जो सैटरडे संडे हफ्ता इतवार को आता है, वो भी लोग देख रहे हैं और रेसिपीज देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम न्यूज़ पे भी आता है दोपहर में 1:30 बजे और सुबह 6:30 बजे, और मसाला टीवी पे 12:30 बजे आता है और 7 बजे। दिस हैज़ टू कुक वेल। इसमें अगर आपने जल्दी की कि निकाल देते हैं, हो गया है, जम गया है, तो फिर क्या होगा कि वो सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा, कटेगा नहीं, फज नहीं बनेगा, फिर चम्मच से खाना पड़ेगा। सो ये याद रखिएगा। नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू शो यू इज, मैं एक छोटी सॉसर तो नहीं है, बड़ी प्लेट है हमारे पास, उसको रख देते हैं फ्रिज में, फ्रीजर में रख देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके ऊपर ड्रॉप करके देखेंगे, जब हम इसको ये ड्रॉप डालेंगे ना, उसको फैलना नहीं चाहिए, उसको ड्रॉप के फॉर्म में ही रहना चाहिए। अभी आपको लगेगा कि ये स्टिकी हो रहा है, लेकिन जल्दी नहीं करिएगा, बस ज़रा चमचा चलाते रहिएगा। 3 कप चीनी, चुटकी भर नमक, 2/3 कप कोको पाउडर, और हमने इसमें 1.5 कप दूध डाला है। प्लीज़ नाप तोल के डालिएगा, मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करिएगा। अंदाजे से बेकिंग और कन्फेक्शनरी, ये स्वीट के आइटम्स नहीं बनते हैं, प्लीज़ ये याद रखिएगा। बेशक आपके पास डिजिटल स्केल हो, मैनुअल स्केल हो, चमचियाँ हो, मेजरिंग कप्स हो, मेजरिंग स्पून हो, जो भी कुछ हो, लेकिन आपके पास ये अंदाज़ा वाला नहीं चक्कर चलता है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह बनाएं, ऐसा ना हो कि आप लोग से नहीं बने फिर आप कहें जारनक ने तो नहीं बताया था। जारनक बता रही है, अभी सुन लीजिए, ठीक है? ओके, केक को दोबारा चेक करते हैं, बिकॉज कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए ब्राउन। जस्ट अनदर 2 मिनट्स और निकाल देते हैं, फिर निकाल के इसको रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा करिएगा, जाली पे निकालिएगा, फिर ऊपर आप ये स्प्रेड कर दीजिएगा। तब तक हम वेनिला एसेंस डाल देते हैं।
चॉकलेट एसेंस मिलता है, कॉफ़ी एसेंस मिलता है, कोई सा भी एसेंस डाल दीजिएगा, बट वेनिला एसेंस इज़ द बेस्ट। देखा ये कितना पतला था ना ये, और कितना ये गाढ़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। कीप कुकिंग इट, ठीक है। तहम्मुल से, तसल्ली से ये बेकिंग और ये कन्फेक्शनरी और ये चॉकलेट वाले आइटम्स बनते हैं। जल्दी जल्दी में नहीं, टाइम हो और अज्जा सारे हों तो ही बनाइएगा, वरना नहीं बनाइएगा। प्लीज़ ये मुझे नहीं लिखिएगा कि आज ये नहीं है तो फलां चीज़ डाल दे, नहीं नहीं नहीं, जो चीज़ है वही लिखी हुई वही, प्लीज़ स्टिक टू दैट। ओके जी, एक और कॉलर हैं। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी एक फरमाइश है आपसे। जी, वो मुझे टर्किश पुलाव बनाना सिखा दें। ठीक है, ओके। और मेरी भी एक फरमाइश है आपसे। जी बोलिए। जब आप कॉल करें तो फिर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। जी, हमारे टीवी का वॉल्यूम बंद है, मगर मुझे तो अपनी आवाज आ रही है। नहीं तो अच्छा, फिर पता नहीं कैसे हो रहा है ये। थैंक यू, नोट कर दिया है जी, टर्किश पुलाव। ओके, कहाँ खाया था, यहाँ कहीं टर्की गए जाके खाया था। देखें कितना गाढ़ा हो रहा है ना, बस जस्ट कीप कुकिंग दिस, ठीक है। फिर मक्खन डालने के बाद इसको हिलाइएगा जुलाइएगा नहीं, फिर उसको मक्खन को अंदर पिघल जाने दीजिएगा, फिर एक बोल में निकाल के इसको खूब सारा बीट करिएगा, फिर फ़ौरन से निकाल दीजिएगा इस टिन में और इसको आप ठंडा होने दीजिएगा। फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब इसको रख दीजिएगा फ्रिज में और दूसरे दिन काटिएगा। अब ज़रा मैं इसको एक दफ़ा चेक कर दूँ और आप लोग लीजिए ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। और जज्बाती होके मैंने बहुत जल्दी केक निकाल दिया, तो केक ज़रा हमारा टेढ़ा शेढ़ा हो गया बेचारा, बट कोई बात नहीं, क्या करें अब, बोले मुझे आप, मुझे एक और केक बनाना पड़ेगा फॉर अ नाइस पिक्चर। ये दिस पिक्चर कैन नॉट गो इन माई मैगजीन, आई एम सो सैड। अच्छा जी, ये हो गया, और अब हम मक्खन भी इसमें देखें डाल चुके हैं, ठीक है। ये मक्खन भी डाल दिया है, मक्खन डालने के बाद आप इसको देखें कितना गाढ़ा, हमने इसको ऑलरेडी पकाया है। अब आपको इसको बीट करना है, सो मैं यहाँ रखती हूँ और बीटर से ये पूरा फज का जो है बहुत ही गाढ़ा है, थोड़ा सा मुश्किल से निकल रहा है डिश में से भी, इसको आपको बीट करना है। ठीक है, बीट हो गया। अब इसको हमें, कल मैं, हाँ जी, कॉलर हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आप जरा ये बनाया है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही क्या जी? अब तो ये बर्तन यूज़ किया नॉन स्टिक ना, अच्छा इसके अलावा तो नहीं बना सकते ना किसी ने, जिनके वो बहुत स्टिकती है ना ये। आप बना सकते हैं, नॉन स्टॉप आपको चलाते रहना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, सही जी, फरमाइए और कुछ। टुडे इज नॉट अ गुड डे, दोनों चीजें नहीं हो रही हैं मुझसे आज, सो फ्रस्ट्रेटिंग। देखे ना ये तो जम गया इसमें,
हम ब्रेक पे जाएंगे, इसको मैं दोबारा जरा माइक्रो करूंगी सो आई कैन टेक इट आउट ऑफ द बोल. Today is not a good day. अब लोग ब्रेक पे जाइए ना. चीनी 200 ग्राम, अंडे 2 अदद, ऑरेंज जेस्ट 1 अदद ऑरेंज की, सार क्रीम 200 मिलीलीटर, मैदा 300 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, ऑरेंज जूस 1 अदद ऑरेंज का, मार्मलेड 100 ग्राम. तरकीब: मक्खन अच्छी तरह फेंटें, अब पिसी चीनी शामिल करके दोबारा फेंट लें, फिर बारी बारी दोनों अंडे शामिल करें और फेंटते रहें. अब ऑरेंज जेस्ट और सार क्रीम मिलाएं, फिर छना हुआ मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल कर दें. तैयार अमेजा ग्रीस के और पेपर लगे टिन में डाल दें. केक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 40 से 50 मिनट के दरमियान से चेक करने पर स्क्वायर साफ बाहर आने तक बेक करें. इस दौरान केक की ग्लेज तैयार करने के लिए एक सॉस पैन में ऑरेंज जूस और मार्मलेड धीमी आंच पर पकाएं. केक ओवन से बाहर निकालकर चंद मिनट ठंडा होने दें, फिर एहतियात से केक टिन से निकालकर पेपर हटाएं और सर्विंग प्लेटर पर रख दें. मार्मलेड ग्लेज केक पर डालें और अच्छी तरह केक में जज्ब होने दें. ग्लेज अगर ठंडी हो जाए तो दोबारा चूल्हे पर गर्म कर लें. चॉकलेट फज. अज्जा: पिसी चीनी 3 कप, कोको पाउडर 2/3 कप, नमक 1/8 चाय का चमचा, दूध 1.5 कप, मक्खन 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा. तरकीब: 8 इंच के चौकोर पैन में बटर पेपर लगा लें, एक सॉस पैन में पिसी चीनी, कोको पाउडर और नमक मिलाएं, फिर दूध शामिल करके दरमियानी आंच पर 15 मिनट या उबाल आने तक पकाएं और चमचा मुसलसल चलाते रहें. अब आँच धीमी करके अमेजा 30 मिनट या दर्जे हरारत 234 डिग्री फॉरनहाइट या 112 डिग्री सेंटीग्रेड होने तक पकने दें. अब पैन चूल्हे से हटाकर मक्खन और वनीला एसेंस शामिल करें लेकिन मिलाएं नहीं. चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट या 110 डिग्री फॉरनहाइट 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी होने दें. फिर लकड़ी के चमचे से फेंटें जब तक अमेजे की चमक खत्म हो जाए. अब अमेजा तैयार किए टिन में डालकर रात भर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें. चॉकलेट फज चौकोर टुकड़ों में काट कर एयर टाइट जार में रूम टेम्परेचर पर महफूज कर लें. जी वेलकम बैक. आई एम वेरी सैड टुडे. आज मेरी दोनों चीज़ें सही तरह नहीं बनी. ये टेस्ट में बहुत अच्छा है फज, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट व्हाट आई वांट ना. तो फिर हम इसको दोबारा बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी. और ये भी ऑब्वियसली मैं बना के लेके आऊंगी. कलम फिश बिरयानी बनाएंगे और कश्मीरी चाय बनाएंगे. और लज्जत में 5 बजे लाइव है चिकन विद हुमस, मोरक्कन चिकन विद ऑलिव्स और विंटर ऑरेंज सैलड. तो आप इनका भी शो देखिएगा. समीना जलील और अबीर खान होंगे 5 बजे लाइव मेरे शो के आधे घंटे बाद. और इसी तरह सारे शोज़ देखते रहिए, रिकॉर्डेड हों कि लाइव हों. और हमारे साथ इसी तरह रहिए. मैगज़ीन हमारा आ चुका है इस महीने का शुमारा, उसको भी ज़रूर खरीदिएगा. एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स इट्स अवेलेबल. तो गेट योर कॉपी एंड मेक यूज़ ऑफ ऑल द रेसिपीज़. एंड अ वेरी बैड लक टुडे विथ मी कि दोनों मेरी चीज़ें इस तरह हुई. मैंने केक को टिन में से निकाला और वो पूरा फ्लैट हो गया. सो एनीवेज आई एम गोइंग टू मेक अ नाइस न्यू केक कल इसी रेसिपी को फॉलो करके. और आपको मैं दिखाऊंगी और आपके सामने हम इसके ऊपर मामलेट वगैरह लगाएंगे. और ये भी ऑब्वियसली मुझे बनाना होगा. इट्स वेरी हॉट येट इट्स वेरी टेस्टी. तो आई कांट कीप पॉपिंग दिस इन माय माउथ. लेकिन ये हार्ड हो गया है बहुत. जैसे ही मैंने मक्खन डाला ना, मक्खन का टेम्परेचर अलग था, इसका टेम्परेचर अलग था, तो ये जाके बोल में जम गया है. अब ऑल आई नीड टू डू इज यूज़ दिस. आप इसको हम फेंकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बनाएंगे उसके ऊपर, टॉपिंग में किसी चीज़ में डाल देंगे. लेकिन आपको मैं सही तरह बना के दिखाऊंगी एक बार फिर. 234 डिग्रीज से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाइएगा. जैसे ही 234 डिग्रीज रीच हो निकालिएगा बोल में और फिर उसमें आप उसको बीट कर दीजिएगा मक्खन डालने के बाद. और फिर फौरन से आप उस टिन में रख दीजिएगा. सो वील डू दिस अगेन विथ यू. और ये कल का शो देखिएगा, 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं.
आपके सामने, और रात में 12 बजे और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अब आपसे मैं इजाज़त लूँगी और कल मुलाकात होगी 3:30 बजे लाइव, और देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।